Hi everyone. As am I audible, do let me know once. I'll tell you the whole story today. What is happening? Am I audible? Hi Janisha Ravindra. Audible and visible? Hi everyone. I guess I am. Yes, please. So guys, welcome to the Learnify Labs. Hi everyone. Good evening. Kya hal chaal hai? I think yes. It's all good. Cool. I'm audible, I'm visible. How are you all? Hi, Dr. Tarunika, Utsav, Ravendra. Hi, everyone. Hi, Janisha. Good evening. Good evening. So, finally, we're live. Okay, I am not coming live so often because I'm not in my studio. I'm in Gujarat right now. Yeah. Hi, everyone. Hi, Ramona. Because of some family function, I'm here for a few days. Kinu ma'am is doing quite well, like she's recovering soon. Hi everyone, hi everyone. चलो तो बताते हैं कि मिशन 360 ऑन 360 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें डिस्कस हो गए एंड दिस इज फॉर नीट 2022 एंड 2023. ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज जैसे कि हमेशा करते रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो द सेम थिंग गोज ऑन. पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी और हम चैप्टर वाइज गाइस अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, आज एक थोड़ा छोटा सेशन रख रही हूँ, ट्रायल सेशन, की मुझे नेटवर्क स्पीड वगैरह यहाँ थोड़ा सा आइडिया हो जाए. एंड वंस देर इज नो इश्यू एंड बस ठीक है, फिर उसके बाद हम लंबे लंबे सेशन लिया करेंगे. वील गो लाइव फ्रॉम हियर. ठीक है, हाई एवरी वन. चलो, सो डेली क्लासेस देन कब से होंगी? डेली क्लासेस मैं यहीं से लेने की कोशिश करूंगी. अभी फाइनली आई हैव गॉट वाईफाई कनेक्शन हियर एंड आई एम प्लानिंग कि अब मैं क्लासेस रेगुलरली ले पाऊँ. काफी डिले हो गया है और मुझसे जैसे जैसे हो पाता है मैं छोटे छोटे सेशंस डिलीवर कर रही हूँ. चले, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो ये है टेस्ट, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज. ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड दिस इज फॉर बोथ नीट 2022 एज वेल एज 2023. ठीक है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज सबसे बड़े चैप्टर के साथ, दैट इज एनिमल किंगडम. सो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. आज डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस ऑन नॉन कॉर्डेट्स. ऑल गुड? ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप. यू लाइक सब्सक्राइब शेयर, यू नो द ड्रिल, एंड यू हैव टू फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल. चलो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्विकली आंसर मी इन द चैट बॉक्स. ठीक है, सो यू नो द ड्रिल राइट? तो यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो, हाय श्रेया, रमोना, हर्ष, हाय एवरीवन. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लाइक नेफ्रीडिया टू अर्थ वर्म, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो तुम इनका रिलेशन देखोगे. नेफ्रीडिया क्या है? अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो जैसे अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया है, बाकियों का देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है. फेशियोला, फेशियोला इज योर लिवर फ्लूक विच इज अ फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमेंथीज में आता है, उसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना. तो पहली ऑप्शन करेक्ट मिल गई हमें, लेकिन हमने बाकी भी देख लेने हैं. ट्यूब फिट किसमें होते हैं फटाफट से बता दो. पाइला तो है मोलस्का, लेकिन ट्यूब फीड गाइस होते हैं अकाइनोडर्माटा में. देखो, जब आप बाकी ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, हमें एक क्वेश्चन के पीछे चार पांच चीजें लर्न करने को मिलती है ना. तो ये इंक सैक होता तो ऑक्टोपस में ही, सॉरी, होता मोलस्का में ही है, नॉट एन ऑक्टोपस दो, बट वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होता है. ठीक है, नीडो ब्लास्ट टू अकाइनोडर्माटा, ये गड़बड़ हो गई है ना, अभी पढ़ के हटे हैं. अकाइनोडर्माटा में ट्यूब फीड जो है वो लोकोमोशन एज वेल एज एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और नीडोब्लास्ट किसमें होते हैं? नीडोब्लास्ट किसमें मिलेंगे हमें? सीलेंट्रेटा में, राइट?
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्ज विच इज गिवन एज अ वेडिंग गिफ्ट इन जापान, बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एन एनसीईआरटी नाउ, बट ये प्रीवियस ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेडिंग गिफ्ट जापान में किस स्पॉन्ज को दिया जाता है? यू प्लेक्टेला, जिनिशा ने बता दिया सबसे पहले आंसर, वेरी गुड, दिस इज यू प्लेक्टेला, ऑल्सो नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। सो दिस इज गिवन एज अ वेडिंग गिफ्ट इन जापान, ये चीज आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हो, राइट right? चले आगे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ बच्चे टू का आंसर डी दे रहे हैं, वो गड़बड़ है, तो प्लीज लर्न इट एज ए। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के बारे क्वेश्चन है, एंड दीज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ओके हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है। रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन द थीसोसाइट्स, बिल्कुल ठीक है। क्वानोसाइट्स टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, ये गड़बड़ हो गई। तो हमारे पास दो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड, सो ऑप्शन वुड बी ए। ये सबको क्लियर हो गया, हाय पिकाचू, इज दिस क्लियर टू ऑल, ठीक है, एक बार थम्स अप दे दो कि ये समझ में आ रहा है और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, द फर्स्ट फॉर्म्ड सीलोमेट्स, फर्स्ट फॉर्म्ड सीलोमेट्स, जब सीलोमेट लिखा है तो आपको ट्रू सीलोमेट्स की ही बात करनी है, तो फर्स्ट फॉर्म्ड सीलोमेट्स कौन से थे, क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स सी कौन देता है आंसर इसका सबसे पहले, फर्स्ट फॉर्म्ड सीलोमेट्स कौन से हैं गाइस। हाँ जी, फर्स्ट फॉर्म्ड आंसर दिया है जिनिशा ने, वेरी गुड, इट इज एनालिड्स, ठीक है। तो जितने भी फर्स्ट फर्स्ट वाले हैं ना, ये आपको बहुत क्लियरली पता होने चाहिए, जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो वो कौन होगा, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है हमारा फ्लैटवर्म, है ना। फर्स्ट सूडो सीलोमेट एंड द ओनली सूडो सीलोमेट, पूरी एनिमल किंगडम में आपको एक ही सूडो सीलोमेट मिलेगा, वो कौन है हमारा, ये राउंडवर्म। तो ये फर्स्ट वाले आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन, कॉमन ढूंढना है आपको इन अर्थवर्म लीच एंड प्रॉन। चलो अर्थवर्म एनालिडा है, लीच भी एनालिडा है, प्रॉन एक आर्थ्रोपोडा है, तो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज अ कॉमन फीचर इन ऑल, ए बी सी एंड डी, यस प्लीज। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर, क्विक क्विक क्विक, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, कुछ कह रहे हैं सीलोम, रमोना ने कहा है ए, ओके। तो गाइस यहाँ पे आई विल टेल यू, ये मैंने एक बुक से क्वेश्चन उठाया था, अब उस बुक में आंसर तो दिया हुआ है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्योंकि बट ऑब्वियस है नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड हमेशा वेंट्रल ही होती है, ठीक है। बट आंसर सीलोम भी तो जा सकता है ना, सीलोम भी जा सकता है, क्योंकि अगर सीलोम नहीं लिखा है तो हम ट्रू सीलोम ही मानते हैं, बट अब पॉसिबिलिटी है कि ये फॉल्स भी हो सकता था, राइट right? तो इसलिए आंसर हम ए ना लेके वील गो फॉर द आंसर बी, ठीक है। तो जहां पे भी थोड़ा बहुत भी ग्लिच हो सकता है, यू नो ट्रिकी हो सकता है, डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन, क्योंकि दिस सीलोम कैन बी ट्रू और फॉल्स, राइट। सो आंसर विल बी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्विक क्विक क्विक, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पढ़ेंगे एंड लेट्स सी। एडल्ट्स, एडल्ट्स के पास है पेंटा रेडियल सिमेट्री, लो ये तो हो गया देखते ही, और लार्वा के पास है बायलेटरल सिमेट्री, तो ऐसा फिनोमिना, ऐसा जो फीचर है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर दिखाई देता है, एंड व्हाट इज द आंसर, सिक्स का आंसर मुझे मिल चुका है, दैट इज एकिनोडर्माटा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू अमीना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन बताना है आपको एंड फूड कैप्चर इन एकिनोडर्माटा, लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर, इवन एक्सक्रीशन में भी कुछ कुछ वो पार्टिसिपेट कर देता है, सो व्हाट इज द आंसर हियर, आंसर इज ट्यूब फीड, परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एट,
सी एनिमल हैज अ सिमेट्री, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें एग्जाम्पल के बेस पे पूछा, तो पहले तो दिमाग में फटाफट से आंसर ढूंढ लिया करो कि ये किस कैटेगरी को में बिलोंग करता है, यानी किस फाइलम को बिलोंग करता है। तो सी एनिमॉन इज अ सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के पास कौन सी सिमेट्री देखी गई है, इट इज रेडियल और बाय रेडियल, आंसर वुड बी डी। स्फेरिकल नहीं जाएगी, स्फेरिकल नहीं होगी, स्फेरिकल आपको एनिमल किंगडम में तो बहुत ही ना के बराबर है, कोई शायद ही कोई हो जिसमें हो, और वो एक्सेप्शनल केस होगा, अदरवाइज यू डोंट सी स्फेरिकल सिमेट्री हियर। ठीक है, सो आपको ये दिखती है रेडियल या बाय रेडियल सिमेट्री। वेयर इज किनुबाम, किनुबाम इज रिकवरिंग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन। देखो जरा, ट्रू सेगमेंटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैटवर्म्स का है, मोलस्का का है, पॉरीफेरा का है या एनालिडा का है। हाँ जी, फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर इज एनालिडा। वेरी गुड मोना, जिनीशा, रमोना, ठीक है, तो राइम ही हो गया। नेक्स्ट, सो मेटामेरिज्म यानी ट्रू सेगमेंटेशन सबसे पहले हमें दिखी थी एनालिडा के अंदर, ठीक है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा में भी मिली, कॉर्डेटा में मिलती है, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पॉन्जेस, एंड उसके बाद अगेन हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। चलो, सो बॉडी कैविटी हैज अ सेंट्रल कैविटी नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अच्छा जी, कैनाल सिस्टम इज यूनिक टू स्पॉन्जेस, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है बात। नर्व, ये नर्व होना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया, और इधर आएगा, नर्व सेल्स एंड सेंसरी सेल्स आर एब्सेंट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नर्व सेल सबसे पहले आया था गाइस सीलेंट्रेटा के अंदर, राइट, तो स्पॉन्जेस के लिए तो दे आर एब्सेंट, फाइन। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी सीलेंट्रेटा के अंदर ही होती है, स्पॉन्जेस की जो कैविटी है गाइस उसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, या फिर सिंपली वी कॉल इट स्पॉन्जोसील, ठीक है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी डज नॉट बिलोंग टू स्पॉन्जेस, इट बिलोंग्स टू सीलेंट्रेटा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ, 2 and 3, डन, चले आगे, कूल। एक्सक्रीशन एंड हेमीकॉर्डेटा, यस, जो आपके टंग वर्म्स है ना, कॉर्न वर्म, टंग वर्म, तो ये दे अकर बाय, इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, सो जल्दी से बता दीजिए, इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबोसिस ग्लैंड, वेरी गुड, पढ़ा था ना हमने, ऊपर प्रोबोसिस है, फिर कॉलर है, एंड देन नीचे ट्रंक है, राइट, ये हमने हेमीकॉर्डेटा पढ़ा था। तो यहाँ पे इस रीजन में गाइस ये है प्रोबोसिस, यहीं पे प्रेजेंट होती है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, कूल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस, हाँ जी, स्पॉन्जेस के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस, यस प्लीज, सेलुलर, जिनीशा, मोना, सबने कह दिया सेलुलर, तो सबको लगता है कि सेलुलर ही होगा, है ना, तो बिल्कुल आंसर इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ए सेलुलर नहीं है, टिश्यू सीलेंट्रेटा से स्टार्ट हुआ था, एंड ऑर्गन लेवल जो है ये फ्लैटवर्म से, प्लेटी हेलमेंथीज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा लेवल होता है, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेट्स सी कौन बता रहा है ये आंसर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक, वेरी गुड जनीशा, वेरी गुड, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, एक्सीलेंट मोना, एक्सीलेंट, हाय अंबर, ऑर्गेनली लेवल नहीं बोलेंगे उसे, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बोला जाता है डॉबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हियर The following are various parts in the canal system of simple sponges. अच्छा, ये उसके parts दिए हुए हैं। आपको उसका correct order बताना है on the flow of water current in the sponges. चलो, मैं hint दे देती हूँ in the form of this picture. तुम्हें मुझे answer बताना होगा। तो ये है एक sponge की body, ठीक है? तो किस-किस तरह से पानी अंदर बाहर move करता है? Yes, please. तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पानी, जाएगा इस पोर के थ्रू, है ना, पोर को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया,
तो बस पहले बी आना चाहिए और किसी में आ रहा है? नहीं, तो यहीं से पता लग जाता है आंसर वुड बी ए। परफेक्ट राइट। वैसे बता देते हैं पहले ऑस्ट्रिया, उसके बाद ये केनाल्स होती हैं, है ना, केनाल्स बोलते हैं इनको, इनकरंट केनाल्स। देन फिर आता है स्पॉन्जोसील एंड देन आता है ऑस्कुलम। अब तुम देख रहे होगे कि पोरोसाइट क्या चीज है। पोरोसाइट गाइस वो सेल्स हैं, ये सेल्स, ये आसपास के सेल्स जो कि ऑस्टिया बना रहे हैं, जो पोर बना रहे हैं, ठीक है। तो इन एनी केस पहले ऑस्टिया होगा, फिर पोरोसाइट बनेगा, फिर स्पॉन्जोसील होगी एंड अल्टीमेटली पानी विल गो आउट थ्रू ऑस्कुलम। ये है ऑस्कुलम। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी हियर, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरलेस नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ नाइडेरियंस इज। ओके, स्ट्रक्चरलेस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, नॉन सेलुलर है और एक्टो एंडो के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहेंगे? विल इट बी नोन एज मेसोहाइल, मेसोडर्म, मेसोक्लिया या फिर मेसेनकाइमा? तो आंसर इसका क्या है? वेरी गुड, आंसर वुड बी मेसोक्लिया, ठीक है। जेली लाइक बोल दिया है, जिलेटिनस, ग्लिया वर्ड से याद रखना, ठीक है, ग्लू लाइक, जेली लाइक, इट इज मेसोक्लिया। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट कब बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कब बोला जाता है? वेयर ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, बोथ एनस एंड माउथ आर प्रेजेंट, डाइजेस्टिव डाइजेशन अकर्स इन द कैविटी या फिर इंडिविजुअल सेल्स में होना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को या एलिमेंट्री केनाल को गाइस हम कंप्लीट कब बोलते हैं? जब दो सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है ना, टू सेपरेट ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। डन, सुपर। नेक्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। देखो फीचर्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फाइलम होगा। डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री है, ये दो फीचर्स। तो डिप्लोब्लास्टिक में देखो आपके पास क्या क्या आते हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, यही है आपके पास तीन डिप्लोब्लास्टिक, है ना। अब इनमें से रेडियल सिमेट्री किसके पास है? सीलेंट्रेटा के पास या टीनोफोरा के पास? पॉरीफेरा ये सब तो हो नहीं सकते, है ना। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? नाइडेरियंस यानी कि सीलेंट्रेटा, रूल आउट हो गया, क्लियर है ये। नेक्स्ट, स्पेशियस सेंट्रल कैविटी ऑफ नाइडेरियंस। अभी अभी बताया था कि नाइडेरियंस की जो सेंट्रल कैविटी होती है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। बट यहां तो ऑप्शन दी नहीं हुई, बिल्कुल दी हुई है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है गाइस? द अदर नेम फॉर दिस इज नोन एज सीलेंट्रोन। व्हाट इज इट? सीलेंट्रोन, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सीलेंट्रोन। पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील इज वन एंड द सेम थिंग। अभी हमने पढ़ा था ये किसमें होगी? स्पॉन्जेस के अंदर होगी, ठीक है। परफेक्ट, आ जाओ। हाय प्रशंसा। ऑस्टिया देखो, ऑस्टिया आर प्रेजेंट इन, ऑस्टिया अभी अभी पढ़ के हटे हैं, ऑस्टिया यानी कि पोर्स, पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स ही पोर्स है। कौन सा है? पॉरीफेरा। तो बड़ा ही बच्चों जैसा सवाल हो गया। चलो, नर्व सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं, ये फर्स्ट किसके अंदर अपीयर हुए थे? अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था, लेट्स सी कौन ध्यान से सुन रहा था। यस, तो नर्व सेल्स या सेंसरी सेल्स पहले किस फाइलम में अपीयर हुए थे? आंसर इज पॉरीफेरा। नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ कर दी तुमने, पॉरीफेरा कह के। नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स गए सबसे पहले आए हैं, अनन्या ने बताया आंसर, वेरी गुड अनन्या, राइट। आंसर इज बी, नाइडेरिया में, है ना, भी बताया भी था, पहली बार नर्व सेल जो बना था वो नाइडेरिया में बना था, एंड वो न्यूरॉन जो है वो हमारे न्यूरॉन जैसा नहीं था, वो ऐसा था, सिंपल सा। देयर वाज नो डेंड्राइट, नो व्हाट डू यू से, नो एक्सॉन, नो डेंड्राइट, जस्ट द सेल बॉडी। ऐसे न्यूरॉन्स को हम ए पोलर न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। डन। चलिए, यूनिपोलर नहीं बोलते, यूनिपोलर डॉबी वो ऐसा होता है जिसमें से एक निकलती है और ये एक्सॉन कहलाती है, ठीक है, दैट इज यूनिपोलर, बट दिस इज नॉट फाउंड इन दिस। व्हिच ग्रुप डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थ्री रिगार्डिंग द सिमेट्री? कौन सा ग्रुप डिफरेंट है? चलो पहले इनकी सिमेट्री देखते हैं। टीनोफोरा के अंदर सिमेट्री कैसी है? रेडियल। एनालिडा के अंदर सिमेट्री कैसी होगी?
इट इज बायलेटरल, अकाइनोडर्म के अंदर भी रेडियल और नाइडेरिया के अंदर भी कैसी है रेडियल. तो बस अगर तुम्हें सिमेट्रीज पता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द ग्रुप व्हिच डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट. तो आंसर क्या जाएगा हमारा इसमें, आंसर वुड बी बी एनालिडा. वेरी गुड. पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे कभी भूलता ही नहीं है. मेरे मास्टर्स के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है. किसका नाम है ये? फाइसेलिया. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सीलेंट रेटा, बट उतना ही खतरनाक होता है गाइस ये. ठीक है, दिस इज फाइसेलिया, रहेगा याद सबको. इसके साथ साथ मुझे जरा इन बाकियों के नाम बता सकते हो? ओबिलिया का नाम क्या होता है, ओरिलिया का नाम क्या है, गॉर्गोनिया का नाम क्या है? यस प्लीज. चलो ये तो मुझे बताओगे इन द कॉमेंट सेक्शन. यू विल टेल मी द कॉमन नेम्स कॉमेंट सेक्शन में. यू विल गिव मी द कॉमन नेम्स ऑफ दीज अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये नाम याद रखने जरूरी हैं जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. नेक्स्ट इज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनालिडा. हाँ जी, एनालिडा के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं? कुछ बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, परफेक्ट. जिन्होंने नहीं दिया या जो बाद में देखेंगे, प्लीज डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. वेरी गुड. हाँ जी, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, सीटे बिल्कुल, पेरापोडिया भी होते हैं और सकर्स भी होते हैं. ठीक है ना, तो ऑल ऑफ देम दे आर फाउंड हियर. अब बात ये कि किसके अंदर सीटे आपको मिलेंगे, अर्थवर्म के अंदर. पेरापोडिया आपको मिलेगा नीरस के अंदर. ठीक है, एंड सकर्स आपको मिलेंगे लीच के अंदर. ठीक है, आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. परफेक्ट. The phylum in which the members are provided with single opening in the elementary canal. Single opening बोल रहा है वो. Single opening का मतलब कैसा elementary canal है? Incomplete gut. है ना? Incomplete elementary canal. Incomplete gut present है. किसके अंदर? Nematoda, roundworm के अंदर, flatworm के अंदर, annelida या arthropoda. फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा. आंसर मुझे रमोना ने बता दिया है, अनन्या ने बता दिया है, मोना, जिनिशा. वेरी गुड. आंसर वुड बी प्लैटीहेलमिंथ्स. ठीक है, इसके अंदर होता है इनकम्प्लीट. उसके बाद नीमाटोडा ऑनवर्ड्स गाइस इट विल हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. नाइडेरियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डिफेंस, एडहेशन एंड कैप्चर ऑफ प्रे. तो नाइडेरियंस के अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो ये तीनों काम करता है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24. Answer is nidoblast. ठीक है ना, answer would be nidoblast. Perfect. Animals of which of the following phyla exhibit both intracellular and extracellular digestion? Intracellular भी है और extracellular, दोनों digestions हो रही हैं इसके अंदर. Question number 25. Quick. हाँ जी, intracellular यानी कि cell के अंदर भी हो रही है, cell के बाहर भी हो रही है. क्वेश्चन नंबर 25 का सबसे पहले आंसर आ गया है. वेरी गुड जिनिशा, मोना, रमोना. वेरी गुड. दोनों तरह की डाइजेशन गाइस आपको मिलती है नाइडेरियंस के अंदर. ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर है, बाकी सबके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर है, और इसके अंदर दोनों है, इंट्रा भी और एक्स्ट्रा भी. गुड. Connecting links between between the non-chordata and chordata. Answer ही निकल गया मेरे मुंह से. चलिए जल्दी से बता दीजिए अब. Connecting link यानी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर दोनों फीचर्स हैं. हाँ जी, दोनों फीचर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर. तो आंसर वुड बी ऑफकोर्स हेमीकॉर्डेटा. ठीक है, और कोई बता सकता है हेमीकॉर्डेटा के अंदर कौन सा फीचर है, कॉर्डेट लाइक फीचर कौन सा होता है इसके अंदर? कॉर्डेट लाइक फीचर, इकलौता कॉर्डेट लाइक फीचर जो हेमीकॉर्डेट के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसे हमने हेमीकॉर्डेटा बोला, दैट इज स्टोमोकॉर्ड. पक्की बात है. हाँ जिनिशा, पक्की बात है. बिल्कुल गलत आंसर है ये. ठीक है, याद रखो कॉर्डेट लाइक फीचर इसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज फेरेंजियल गिल्सलेट्स. फेरेंजियल गिल्सलेट्स कॉर्डेट्स के जो तीन मेन फीचर्स हैं उनमें से इकलौता ये फीचर है जो
नॉन कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हेमिकॉर्डेटा के अंदर। स्टोमोकॉर्ड की वजह से इसको पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, बट बाद में पता लगा कि भाई स्टोमोकॉर्ड इज नॉट नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, ना उसका ओरिजिन सेम है ना कुछ, पढ़ेंगे हम ये सब। तो इसको हमने फिर लात मार दी कि चल तुम नॉन कॉर्डेटा के अंदर ही चल, तेरे पास कॉर्डेट सॉरी नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27। सॉरी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस स्पॉन्जेस फॉर्म। हाँ जी, अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान स्पॉन्जेस क्या बना देते हैं जो कि उनको पेरिनेशन में हेल्प करेंगे टू सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशंस। एंड आंसर इज, ये हम रिप्रोडक्शन में भी देखते हैं, है ना, आंसर इज सिस्ट। नहीं है ना, नहीं, सिस्ट नहीं बनाता ये, ना एक्सोजेनस बॉडी बनाएगा, ना स्पिक्यूल्स, तो इसका स्केलेटन होता है, ठीक है, ये बनाता है जिम्यूल्स। जिम्यूल्स इसका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर्स है, इट हेल्प्स इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन है कि जिम्यूल्स किस तरह की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस इन द कमिंग सेशंस। अब मुझे पता लग गया कि हाँ इस हिसाब से हो जाएगा, तो टिल आई एम हियर इन गुजरात आई विल बी टेकिंग योर सेशंस लाइक दीस, ठीक है। सो टाइम यही फिक्स कर लेते हैं 4 बजे का, तो कल हम फिर से ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और गाइस, जो मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ उसको प्लीज जरूर देखते रहिएगा, ठीक है, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उसमें हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो छोटी वीडियो है तो उसमें पूरा डिटेल नहीं है, आई एम कवरिंग द होल टॉपिक इन दैट वीडियो, ठीक है, उससे बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 28, रेनेट ग्लैंड। हाँ जी, ये रेनेट ग्लैंड नेमाटोड्स के अंदर प्रेजेंट है, ये याद रखना है, ठीक है, राउंड वर्म्स के अंदर। और ये किस चीज में हेल्प करती है, ये एक एच शेप्ड ग्लैंड होती है। कैन यू टेल मी क्वेश्चन नंबर 28? गुड, वेरी गुड, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, इट्स एन एच शेप्ड ग्लैंड इन राउंड वर्म्स। एंड सो दैट वाज इट गाइस, आज का हमारा ये कार्यक्रम खत्म होता है। और आई थिंक क्लास बिल्कुल नॉर्मल चली है, सो दिस वाज जस्ट अ डेमो क्लास। I wanted to check कि Wi-Fi वगैरह सब सही चल रहा है और I can continue with my live classes now on, ठीक है, थोड़े दिन बैठ के लेंगे classes, but we will continue the class, ठीक है। Alright guys, thank you so much for watching, and कल एक बहुत ही special जगह जा रही हूँ मैं, और तुम्हें भी share करूँगी, तुम्हें भी दिखाऊंगी, don't forget to watch that and stay tuned to Learn Palaps, bye bye.